पाइनएप्पल का और बनाना का और वो रेशियो कितना है बच्चों वो है फोर इंस टू सिक्स अगर आपको नहीं पता तो सिंपली अज्यूम कर लो फोर एक्स सिक्स और ये फाइव एक्स डोन्ट वरी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें अब एक चीज ध्यान दो यहां पे रेशियो फोर इंस टू सिक्स इंस टू फाइव है तो टोटल तो यूनिट कितना है इसमें तीनों मिक्सचर्स का वो फोर प्लस सिक्स प्लस फाइव दैट इंप्लाई फिफ्टीन यूनिट है ये क्लियर है अब मिक्सचर में से आपने 15 लीटर मिक्सचर निकाला है तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 लीटर है तो वन यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा वो सिंपली वन लीटर का हो जाएगा दैट इम्प्लाई अगर आप माइनस फिफ्टीन लीटर ऑफ मिक्सचर करते हो निकालते हो वेसल में से तो उसमें से ग्रेप्स कितना निकलेगा वो फोर लीटर होगा जिस रेशियो में मिक्सचर है उसी रेशियो में वो बाहर भी आएगा पाइनएपल कितना निकलेगा सिक्स लीटर और बनाना कितना निकलेगा वो निकलेगा फाइव लीटर तो अगर आपने माइनस फिफ्टीन लीटर किया वेसल में से तो अब ग्रेप कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा? जाएगा वो लीटर। एपल कितना हो जाएगा? 6X -6. और बनाना कितना होगा फाइव एक्स माइनस फाइव अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट लीटर ऑफ ग्रेप्स जूस आपने एड कर दिया है तो अब इसमें आप एट एड कर दोगे तो फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस फोर इसमें आपने टू लीटर्स ऑफ पाइन एपल एड किया है तो ये हो जाएगा प्लस टू दैट ये सिक्स एक्स माइनस फोर यहां पे कह रहा है क्या कि जो ग्रेप का जो वैल्यू है वो पाइन एपल से टेन लीटर क्या है कम है कह रहा है द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ग्रेप जूस इज टेन लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइन एपल तो सिंपली आप क्या लिखोगे सिक्स एक्स माइनस फोर एंड माइनस यहां पर लिखोगे फोर एक्स प्लस फोर

135 लीटर। सो so, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ फ्रेंड्स